भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 34 सपठित धारा 149 302 और 304 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य जहां एक से अधिक अभियुक्तों पर धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप लगाया गया हो और उनमें कुछ अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया हो, वहां धारा 34 के साथ सपठित धारा 302 के अधीन आरोप के अभाव में भी शेष अभियुक्तों को धारा 34 के साथ पठित धारा 302 और धारा 304 के भाग 2 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता है। विराम पैरा साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 3 साक्ष्य यदि प्रथम इतिला रिपोर्ट में दिए गए वृतांत और अभियोजन साक्षियों की परीक्षा में दिए गए वृतांतों में अंतर पाया जाता है और अभियुक्तों पर लगाए गए स्पष्ट कार्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं तो ऐसी असंतोषजनक साक्ष्य की स्थिति में अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जा सकता है। विराम पैरा वर्तमान अपीलार्थियों अर्थात अभियुक्त एक से लेकर अभियुक्त तीन तक को विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के अधीन दोष सिद्ध ठहराया गया है, किंतु उसी मामले में 7 अन्य अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया। विराम अतः विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश के निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत दांडिक अपील फाइल की है। विराम पैरा आरंभ में यह अपील उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। विराम अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल ने यह प्रारंभिक मुद्दा उठाया था कि दोष सिद्धि अपने आप में अवैध है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन कोई आरोप नहीं लगाया है, अर्थात यदि 10 अभियुक्त व्यक्तियों पर धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप लगाया गया हो और उनमें से 7 अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया हो तो शेष अभियुक्तों को धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। विराम विद्वान अभियोजक द्वारा अवलंब लिए गए इसी न्यायालय के खंड न्यायपीठ के निर्णय और अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल द्वारा अवलंब लिया गया उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में मतभेद पाए जाने के कारण विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले को खंड न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर दिया। विराम इस प्रकार अब यह मामला इस खंड न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विराम पैरा जहां केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन कोई आरोप लगाया गया हो, वहां भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप के अभाव में भी कुछ अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता है। विराम
अनेकानेक मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया है कि प्रतिकूल प्रभाव के अभाव में भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोष सिद्ध लेखबद्ध करने के लिए कोई विधिक वर्जन नहीं है, भले ही अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया हो या इसके प्रतिकूल भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोष सिद्धि लेखबद्ध की जा सकती है, भले ही अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोपित किया गया हो, विराम, तथापि प्रस्तुत मामले में भले ही मान अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया हो किंतु फिर भी तीन अभियुक्त मौजूद हैं, अर्थात अभियुक्त एक से लेकर अभियुक्त तीन तक जब एक से अधिक अभियुक्त हों तब उनके विरुद्ध एक ही तर्क के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दोष सिद्धि लेखबद्ध की जा सकती है, विराम, स्टॉप।